अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं प्रताप गौरव केंद्र, है ना। और यहाँ पे पर पर्सन 160, हाँ 160 की टिकट है। और ये इंट्रेंस है यहाँ से, तो बहुत अच्छा जो है नज़ारा है। देखो ये पूरा उसी का है, प्रताप गौरव केंद्र। ये हमारे नवीन जी हैं, टूर थे यार उस टाइम पे। तो चलिए आपको घुमाते हैं प्रतापगढ़ गौरव केंद्र। ठीक है ना, हाल वाल बता देना सही। हीरो आप आ जाओ, मेरा फोटो खिंचाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखते हैं अंदर और क्या क्या है, क्या क्या दिखाते हैं ये लोग हमको, क्योंकि इनका गाइड रहेगा साथ में। इनका गाइड साथ में रहेगा तो वो हमें घुमाएगा अंदर। बोलेंगे सब जगह फ़ोटो अलाउड नहीं है, कहीं कहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। यहीं से दिखा रहा हूँ आज भाई, मैं यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने बहुत अच्छा बना रखा है इसको। यहाँ पे हमारे जो महान विभूतियाँ हैं, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति स्टैचू बना रखा है, श्री कृष्ण जी का भी है, और बाकी जो हमारी महान विभूतियाँ हैं उनके जो है इन्होंने यहाँ पे स्टैचू भी बना रखे हैं। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, ये लोग बुला रहे हैं, यहाँ से हमको गाइड मिलेगा। 40 किलोमीटर दूर हल्दीघाटी है, वहाँ जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पे। हल्दीघाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था। फर्स्ट दरिया में से निकलकर आक्रमण कर रही थी, दूसरा पहाड़ों से छुपकर मोर्चाबंदी कर रही थी। तो आप जब अंदर एंट्री करेंगे, राइट साइड में आप देखेंगे महाराणा प्रताप और उनके प्रमुख साथी जो है हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अकबर की सेना पर छापा मारा जाए। छापा मारने का मतलब ये है कि मुगल सेना को पता नहीं होता है महाराणा प्रताप की जो सेना होती है हल्दीघाटी दर्रे में से निकलकर अचानक से आक्रमण करती है। दर्रा बना हुआ है, देखते हुए अंदर आना है। कैमरा फोटो जो भी है आपको अंदर अलाउड नहीं है, जहाँ पे भी शो चलेंगे वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। चार शो बने हुए अंदर, फर्स्ट हल्दीघाटी बताएंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी, सेकंड रोबोटिक शो है, फिर एक लाइट एंड साउंड शो है भारत दर्शन, उसके बाद मैं पूरा आपको गाइड करूंगी। चलिए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टैचू बना रखे हैं बहुत सुंदर से। वंशज जितने भी या जो उनके सहयोगी रहे हैं उनके उन्होंने यहाँ पे स्टैचू बना रखे हैं, और बहुत खूबसूरत से उनके बारे में भी लिखा हुआ है प्लेट, जैसे ये गोरा बादल जी हैं और महारानी पद्मिनी जी हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इसको मेनटेन भी किया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत से बना रखे हैं, गोरा बादल जी हैं, महारानी पद्मिनी जी हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज। ये महाराणा हमीर, देखिए यहाँ पे जो है सारी जो है महाराणा कुंभ जी हैं। देख सकते हैं आप महाराणा संभाजी पत्ता चूड़ा और जी वीर चंबा, है ना, महाबलिदानी अन्नाधाई। देख सकते हैं आप, उदय सिंह, वीरू पूजा राणा, महाराणा अमर सिंह जी, प्रताप जी के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा जय सिंह। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। बाय बाय।